मेरा नाम सलीमा है और मैं FAO के साथ तकरीबन 5-6 साल से काम कर रही हूँ। हम लोगों को हमारे जिस्म को रोज़ाना डेली न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, मटर से हमें मिलती है ग़िज़ाइयत, मेथी से हम लोगों को जो हरी सब्ज़ियाँ होती हैं उनसे हमें आयरन मिलता है, उसकी डेफिशिएंसी पूरी होती है। फिर इसमें प्याज है, मटर है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, टमाटर से विटामिन सी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मतलब हमारे जिस्म की ग़िज़ाइयत काफ़ी हद तक पूरी करती हैं। मेरा नाम फजीला है और मैं FAO के साथ एज ए सप्लाई चेन फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। यानी लोगों के पास अगर हम कहें कि यानी गुर्बत, एक लोग कहते हैं कि गुर्बत है तो ये चीज़ नहीं है, लोग उगा रहे हैं। मैं अगर बताऊँ तो ग्रो नरिश एंड सस्टेन टुगेदर, इसका मतलब ये कि लोग जो है फील्ड पे काम भी कर रहे हैं, चीज़ें उगा भी रहे हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में उनको पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो है, जैसे वो गाँव में अगर लोगों को हम देखें वो कहते हैं कि घास फूस ही है तो वो नहीं खाते हैं, गोश्त को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये बहुत अहम जुज़ है खुराक का। तो यानी खवातीन यानी औरतों को चाहिए कि वो खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी दें। जैसे अगर मटर्नल डेथ को हम देख लें, उसका रेशो इतना बहुत ज़्यादा है और स्टंटिंग रेट बहुत ज़्यादा आई है। तो इसलिए FAO का भी यानी मेन मैंडेट यही है कि वो जो है किचन गार्डन की खवातीन को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो जो है इंटीग्रेटेड किचन गार्डन की तरफ आ जाए और पूरे साल वो सब्ज़ियाँ लें और उन सब्ज़ियों की अहमियत को समझते हुए वो अपने बच्चों को उनके यानी खुराक में ये चीज़ें डालें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डिस्कवर बलूचिस्तान को और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिए।